चक्रवात हीका अरब सागर के पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बेहद भीषण चक्रवात में तब्दील हो गया है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को ओमान तट पार करने की संभावना है। चक्रवात को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने गुजरात के मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। विभाग ने अपनी चेतावनी में कहा कि बुधवार सुबह तक चक्रवात का असर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। चक्रवात को लेकर IMD ने एक बुलेटिन भी जारी की है, जिसमें भीषण चक्रवात हीका पिछले 6 घंटे से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और यह उत्तर पश्चिम और निकट के पश्चिम मध्य अरब सागर की ओर बढ़ते हुए बेहद भीषण चक्रवात में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही असम, मेघालय, महाराष्ट्र और गोवा के अलग अलग स्थानों पर भी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं उत्तरी भारत के बारे में मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के तापमान में भारी गिरावट देखी जा सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हीका तूफान के असर को मौसम विभाग ने दरकिनार कर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बंगाल और आंध्र प्रदेश के पास एक सिस्टम बना हुआ है, जिसके चलते प्रदेश में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। भारी बारिश को लेकर कोई अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी नहीं है। वहीं मानसून की वापसी इस बार भी 15 अक्टूबर तक होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। हीका तूफान है, उसका छत्तीसगढ़ में असर तो नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो एक सिस्टम बना हुआ है बंगाल और आंध्र प्रदेश के आसपास, उसके प्रभाव से जो है बारिश हो रही है और छत्तीसगढ़ कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ नहीं है, अलर्ट वगैरह कुछ नहीं है, तो अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ है डेट, मतलब 15 अक्टूबर के आसपास होती है वापसी यहाँ छत्तीसगढ़ से। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।